हेलो फ्रेंड, सुशलाजी विद्रोह दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 जून है। लगता होगा कि 18 जून क्या है? जी हाँ, 18 जून भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। भारत के संस्कारधानी जबलपुर में ही 18 जून को यहाँ के मंदिरों में झंडा सत्याग्रह, जी हाँ, देश का पहला झंडा सत्याग्रह जो हुआ था उसकी रणनीति बनी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के चूल्हे हिला दी थी। अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी। 1923 में अंग्रेजी सरकार को हिला के रख दिया था। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर से हुई थी। यहाँ के संस्कारधानी के जो मंदिर हैं, आरती, सुबह शाम की आरती होती है, उसमें यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हैं, कोमल चंद जैन जी जो कि 94 वर्ष के हैं, वो बताते हैं कि मंदिर हम आज़ादी के दीवानों का मेल मुलाकात और सूचना प्रदान करने का प्रमुख अड्डा था। ये हमारे लिए जैसे आज युवाओं के लिए गार्डन होते हैं ना, सेल्फी पॉइंट होते हैं, हमारा सेल्फी पॉइंट थे मंदिर, जिसमें हम आज़ादी के रणनीति बनाते थे। 18 मार्च 1923 को हमने इसको सफल किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यूनियन जैक उतारकर टाउन हॉल पे तिरंगा लहरा दिया था, और यहीं से झंडा सत्याग्रह की आग ने पूरे देशवासियों को अपने साथ जोड़ लिया। झंडा सत्याग्रह के स्थानीय नायक तत्कालीन न्यायपालिका के अध्यक्ष कंचेरी लाल जैन जी थे। श्रीनाथ की तलैया, तिलकभूमि तलैया, फारा के मंदिरों में सुबह शाम की आरती में हम लोग इकट्ठे होते थे और रणनीति बनाते थे। उसी रणनीति का परिणाम एक 18 मार्च 1923 को सुंदरलाल जी, बाल मुकुंद त्रिपाठी, बद्रीनाथ दुबे, सुभद्रा कुमारी चौहान, जी हाँ, ये वही सुभद्रा कुमारी चौहान है जिन्होंने कविता लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय कवि, ये 350 के लगभग सत्याग्रही टाउन हॉल पहुँचे। उस्ताद प्रेमचंद ने अपने 3 साथी सीताराम जादव, परमानंद जैन, साल चंद जैन के साथ मिलकर टाउन हॉल पर तिरंगा फैला दिया। सभी गिरफ्तार किए गए। अगले दिन सुंदरलाल शर्मा को छोड़कर सभी को मुक्त कर दिया गया। 6 माह का कारावास हुआ सुंदरलाल शर्मा जी को, और इसके बाद ही पूरे देश में झंडा सत्याग्रह आंदोलन फैल गया। और इसकी एक खास बात और है 18 जून की, इस झंडा सत्याग्रह में भारत में पहली बार किसी महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गिरफ्तार किया था अंग्रेजी हुकूमत ने, वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये चंद आज़ादी के मतवाले थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 18 जून को ही जबलपुर के टाउन हॉल, विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाजू में है, टाउन हॉल में झंडा फहराया था और अपना नाम बुलंद किया था, अंग्रेजों को, हुकूमत को हिला डाला। इसलिए मैंने कहा था आपसे पहले कि 18 जून भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आप देखिए 18 जून 1923 से आज है 18 जून 2023, यानी हम एक सदी पूरे निकाल लिए। लेकिन अमृतकाल, स्वतंत्रता के अमृतकाल में राष्ट्रीय स्तर पर 18 जून 1923 की इस घटना का चर्चा होनी चाहिए, लेख लिखे जाना चाहिए, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए, इस पर बृहद आयोजन किए जाना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्रता के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से अपील है, मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी से भी अपील है कि झंडा सत्याग्रह को पाठ्यक्रम में रखा जाए, स्कूली पाठ्यक्रम में रखा जाए, कॉलेजों में फाउंडेशन कोर्स के पाठ्यक्रम में रखा जाए। 18 जून 1923 का दिन हम सभी के लिए यादगार दिन है, और 100 साल हो गए हैं, इसलिए इसको यादगार को बनाते हुए शताब्दी के रूप में हमें इस पर विभिन्न प्रकार के लेख लिखना चाहिए, पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों से मेरा आग्रह है, कुलपतियों से, और मध्य प्रदेश के स्कूली और उच्च शिक्षा मंत्री से कि आप अपने यहाँ के पाठ्यक्रम में 18 जून को शामिल करें, झंडा सत्याग्रह की चर्चा करें, झंडा सत्याग्रह के बारे में बच्चों को जानकारी दें।
वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।